बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का दावा करने वाली योगी सरकार के राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं ही। कासगंज के बालिका इंटर कॉलेज में मेन्यू के हिसाब से खाने की तो बात छोड़िए, यहाँ तहरी की जगह छात्राओं को खाने को मिलते हैं पीले चावल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कासगंज जिले की पटियाली तहसील के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की। यहाँ मेन्यू तो बना है लेकिन उस हिसाब से कभी खाना नहीं बनता। और तो और यहाँ शिक्षकों की संख्या तक काफ़ी नहीं है। यूँ कहें कि यहाँ के बच्चों के भविष्य और सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो गलत नहीं होगा। जब हम कक्षाओं में गए तो ज्यादातर में शिक्षक थे ही नहीं। इस पर जब एक शिक्षिका से बात की तो पता चला इस स्कूल में शिक्षकों का ही टोटा है। हमारे यहाँ टीचरों की संख्या बहुत कम है, ओनली तीन टीचर्स केवल शेष बचे हैं, तो तीन टीचर्स सब एक साथ तो नहीं देख सकते ना। यहाँ 350 छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ तीन टीचर हैं। इसके बाद हम प्रधानाचार्य से बात करने पहुँचे तो वह भी नदारद मिले। हैरानी तो तब हुई जब इस मुद्दे पर DIOS ने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने कैमरे पर रटा रटाया जवाब देते हुए सारा ठीकरा बेसिक शिक्षा विभाग पर फोड़ दिया। तो जनपद में राजकीय में बहुत कम टीचर है, सभी सफ़र कर रहा है, तो वहाँ जो व्यवस्था की गई है बाहर से रखने की, वो व्यवस्था की गई है। हो सकता है कि कहीं टीचर इधर उधर छुट्टी पे हो, ये जानकारी करने के बाद ही होगा उसको स्पष्ट कर। ऐसे में यह साफ है कि तीन शिक्षकों के हवाले 350 छात्राओं का भविष्य भगवान भरोसे ही है। सूबे की योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य करने का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ का यह विद्यालय पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि सूबे की सरकार और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी किस स्तर पर यह कार्रवाई करते हैं और विद्यालय की इन समस्याओं को दूर करते हैं। कासगंज से ETV न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा।